नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट भी मेरी तरह, जैसे मेरा गमला पूरी तरह से भर चुका है और आप देख रहे होंगे मैंने इसे खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट इस तरह से खूब घना हो जाए, खूब हेल्दी हो जाए, तो उसे किस तरह से लगाएं जो हमारा मनी प्लांट हमारे गमले को पूरी तरह से भर ले, तो बहुत ही आसान तरीका है, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस समय तो बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने मनी प्लांट्स को बहुत जल्दी हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी हमारा जो मनी प्लांट है हमारे गमले को पूरी तरह से भर लेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसे किस तरह लगा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दूसरे मनी प्लांट की ग्रोथ भी आपको बता देती हूँ। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तो अब मैंने इसको इसके साइड से दोनों और ये बांस की लकड़ी लगा के इसको और ऊपर चढ़ा दिया है। देखो, ये इस तरह से बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। और मनी प्लांट तो मेरे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, मैंने हैंगिंग में भी लगा रखे हैं तो अच्छे चल रहे हैं, तो मुझे उनकी ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे इस नियोन वाले मनी प्लांट्स को और प्लांटर में लगाना है, तो उसी की मैं कटिंग लूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस समय मनी प्लांट को लगाना कितना आसान है। देखो, इनकी ये रूट्स कितनी, हर पौधे में ही इतनी अच्छी रूट्स आ रही हैं। आप देखोगे ना गौर से तो आपको बहुत सारे पौधों में इस तरह से रूट्स दिख जाएगी, तो इस समय इनको लगाना बहुत ही आसान है। वैसे तो खैर, मनी प्लांट में, फ्लोरेंड्रम में, जितने भी ये इस वैरायटी के प्लांट होते हैं इनमें एरियल रूट्स होती हैं, लेकिन इस समय तो बहुत ही बरसात का टाइम है, बरसात में तो बहुत जल्दी वो करते हैं, इतनी लंबी लंबी रूट्स हो गई हैं इसकी, बहुत ही लंबी लंबी रूट्स, और मेरे मनी प्लांट ने देखो पूरे पॉट को कवर कर लिया है। इसे मैंने आपके साथ वीडियो में बहुत बार शेयर किया है, इसकी ग्रोथ आपको दिखाई भी है, लेकिन अब ये पूरी तरह से कवर कर चुका है। तो चलिए अब इसकी कटिंग्स ले लेते हैं, और जहाँ जहाँ से हम कटिंग्स लेंगे वहाँ वहाँ से नई नई टहनियाँ आती जाएंगी और नई नई टहनियाँ निकलती जाएंगी, देखो, और प्लांट्स और घना होता जाएगा। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है अपने मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा घना बनाने का। यहाँ पे मैंने 5 कटिंग्स ले ली है मनी प्लांट की। आपको और ज़्यादा घना करना है, आप बड़े पॉट में लगा रहे हो और आपके पास मनी प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप और कटिंग ले सकते हो, लेकिन मुझे उसका जो डिज़ाइन है उसे ख़राब नहीं करना था, वो बहुत सुंदर लग रहा, तो मैंने देख कर ही कटिंग्स ली हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मैंने एक पॉट में मिट्टी ऐसे भर दी है। हैंगिंग्स में भी मनी प्लांट काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, आप हैंगिंग में भी लगा सकते हो। मैंने सिंपल वाला मनी प्लांट हैंगिंग में लगाया हुआ है, तो देखो इनमें एरियल रूट्स आ रखी हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इनको इस तरह से लगा देना है। मैंने अपने सारे मनी प्लांट ऐसे ही लगाए हैं, ये नियोन वाला भी ऐसे ही लगाया है, और आप देख ही रहे होंगे कि उसने कितनी जल्दी उस गमले को पूरा भर दिया है। ये इस तरह से हमें इसके चारों कोनों में इस तरह से लगा देना है, और जो मनी प्लांट होता है वो आउटडोर इंडोर कहीं भी हो जाता है, पानी में हो जाता है आराम से, मिट्टी में हो जाता है बहुत आराम से, और मैंने इंडोर भी लगाए हुए हैं मनी प्लांट, पानी में लगा रखे हैं इंडोर, और आपको तो पता ही है कि मनी प्लांट बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट्स होते हैं, तो इन्हें हमें अपने घर में ज़रूर लगाते हैं, लगाना चाहिए। कहते हैं कि मनी प्लांट से पैसा आता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन यह है कि हाँ, ये हमारे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, इसलिए हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पैसा वैसा तो मुझे लगता है सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, इनकी हरियाली देख के, इनकी खूबसूरती देख के हमारा मन खुश हो जाता है। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी तो जैसे बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो हमें इतनी ज़्यादा ये प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। जो बारिश का पानी होता है उसमें ही भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो पत्ती वाले पौधे होते हैं उनके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और ये चाय पत्ती, कॉफ़ी, किसी का भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अभी तो बारिश हो रही है तो लिक्विड ना डालें, कोई भी सूखा ही फर्टिलाइज़र डालें। पर मेरे जो मनी प्लांट हैं वो सब पोर्च में हैं, उनको बारिश का पानी नहीं मिल पाता, तो मैं उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करके किसी बर्तन में तब डालती हूँ। अगर आपके मनी प्लांट्स भी ऐसे रखे हैं
किसी ऐसी जगह में कि उनको बारिश का पानी नहीं मिल पाता, तो आप किसी बर्तन में वो पानी लेकर और तब उसे डाला करें। और दूसरी बात कि जब जैसे हम जिस बर्तन में दूध लेके आते हैं, और वो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ क्योंकि बर्तन धो के हम दूसरे बर्तन में दूध डालकर गर्म करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि वो जो बर्तन धोती हूँ ना उसका पानी अपने किसी भी मनी प्लांट में डाल देती हूँ। आज तो खैर मैंने सुबह सुबह जेजे में डाला क्योंकि सारे मनी प्लांट्स में मैं एक एक करके डाल चुकी हूँ। तो ऐसा कुछ भी जो फर्टिलाइज़र आप ट्राई करोगे हर मतलब ऐसे 15-20 दिन के अंतराल में करो। और वैसे तो अभी बारिश का पानी जितना डालोगे, बारिश के पानी से इनको धोओगे उतना काफ़ी अच्छा रहता है। और इनके पत्तियों को भी धोते रहें। अगर आपने मनी प्लांट इंडोर रखा है तब भी उसको मतलब हर 10 दिन में 15 दिन में उसका पानी बदलते रहें और उसकी पत्तियों को अच्छे से साफ़ करते रहें। जो बाहर मनी प्लांट है, जैसे मतलब गर्मी का मौसम होता है तो मैं तो अच्छे से सावरिंग भी कर देती हूँ अपने मनी प्लांट में, ताकि क्योंकि ये अपनी पत्तियों से ही तो खाना बनाते हैं। जब इन्हें प्रकाश पड़ता है तभी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके बाद ही ये लोग अपना खाना बनाते हैं। तो हमें इनके पत्तियों को भी, हर पौधे की पत्तियों को साफ रखना चाहिए, जितना हो सके उतना रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप मनी प्लांट लगाएंगे ना तो आपका मनी प्लांट भी बहुत जल्दी बहुत घना हो जाएगा। मेरे आप जो भी मनी प्लांट देख रहे हो मैंने इसी तरह से लगाए हैं, और वो मेरे सारे ही मनी प्लांट मैं आपको बताती भी रहती हूँ समय समय पे कि कितने घने हो चुके हैं। और देखो ये मेरा हैंगिंग्स में लगा मनी प्लांट है, इसको लगाने के लिए भी मैंने ऐसे ही किया था, इसमें भी मतलब 3-4 कटिंग्स लगाई थी और देखो इस तरह से हो गया। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लंबे लंबे इस तरह से लेते हो ना, तो मतलब आप जैसे लंबी लंबी टहनियाँ लेते हो मनी प्लांट्स की, तो इनमें एरियल रूट्स तो निकली हुई होती हैं। मैंने बहुत पहले भी एक बार वीडियो में शेयर किया था, तो आप इसको इस तरह से राउंड में इस तरह से घुमा के पूरे पॉट में, अगर आपने मतलब बहुत बड़ी टहनी ली है तो पूरे पॉट में घुमा कर इस तरह से, और उसमें कोई भी पिन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर रूट्स तो निकली रहती है, तो जो हर रूट्स होगी वो अपनी जड़ पकड़ लेगी और पौधा वहीं से ही बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भी लगा सकते हो, पूरे उसमें इस तरह से ऐसे लगा दिया, जैसे ये टहनी है, ये टहनी इस तरह से इसको ऐसे घुमाकर ऐसे पूरे पॉट में रख दिया इस तरह से, ये फिर दूसरी टहनी ऐसे है उसको भी पॉट में पूरी तरह से घुमा के रख दिया। तो अब देखो पहले ये नीचे लटक रही थी, अब ये ऐसे इस तरह से हो गई है। तो इस तरह से जहाँ पे भी इसकी एरियल रूट्स होगी ना वो जड़ पकड़ लेगी और वहीं पे से ही पौधा बन जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं करना है क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि इसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो रही है, और हमें टाइम टाइम से जो भी पत्तियाँ इनमें ख़राब होती रहती है उन्हें हटाते रहना चाहिए। यहाँ पर लकड़ी और वो ये गुड़हल के फूल गिर गिर के यहाँ पे, और ये लकड़ी में कोई कीड़ा खा रहा होगा तो उससे इसके पत्ते ख़राब हो रही है। ग्रोथ देखो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इससे काट के ही मैंने फिर मनी प्लांट को अंदर लगाया है, जो पानी वगैरह में रखते हैं ना हम उसमें लगाया है। और आजकल कीड़े भी बहुत हो रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें।